सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। योगासन की सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ वीर भद्रासन या वरियर पोज। वीर भद्रासन या वरियर पोज जो है, इसके तीन वेरिएशंस हैं जिनको वीर भद्रासन 1, 2 और 3 बोला जाता है, या फिर वरियर पोज 1, 2 और 3। तो आज की इस वीडियो में हम वीर भद्रासन 1 की प्रैक्टिस करेंगे या वरियर पोज 1 की प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में 2 और 3 की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इस आसन को कैसे किया जाता है, और उसके बाद इसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। वीर भद्रासना 1 को करने के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे, पैर मिले हुए ताड़ासन वाली स्थिति में हम खड़े हो जाएंगे, और यहीं से दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का गैप करेंगे। और इसके बाद जो राइट फुट है उसको राइट साइड में टर्न करेंगे 90 डिग्री पे, और जो लेफ्ट फुट है उसको स्लाइटली इनवर्ट करेंगे। इसके बाद मूव योर बॉडी टुवर्ड्स राइट साइड एंड इनहेल करते हुए रेज योर आर्म्स अप एंड एक्सेल करते हुए टेक योर राइट नी फॉरवर्ड। जो आपका राइट नी है और एंकल है इसके बीच में 90 डिग्री का एंकल होना चाहिए, और जो लेफ्ट फुट है वो जमीन पर रहेगा। हैंड्स जॉइन किया है एंड लुक अपवर्ड। अगर आपके नेक में कोई प्रॉब्लम है तो आप आगे मत करें, सामने की तरफ देखें, पोस्चर में रुके 15 से 30 सेकेंड। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 1 मिनट तक रुक सकते हैं। फील द स्ट्रेच दैट इज कमिंग ऑन योर थाइस। रिलीज करने के लिए नी को स्ट्रेट करें, हैंड्स लोअर डाउन करें, राइट लेग फॉरवर्ड एंड कम बैक टू ताड़ासना या स्ट्रेट पोजिशन। ये हमने अभी राइट लेग पे किया है, सेम इसको लेफ्ट लेग पे भी रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग पे करने के लिए सेम प्रोसीजर है, मेंटेन 3 से 4 फीट डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स। लेफ्ट लेग मूव टुवर्ड्स 90 डिग्री, राइट लेग स्लाइटली इनवर्ड एंड मूव योर बॉडी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। इनहेल करते हुए आर्म्स अप एंड एक्सेल करते हुए लेफ्ट नी बेंड। जो आपका लेफ्ट नी है और एंकल है इसमें 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ये आपको चेक करना है, ये इस पोस्चर का अलाइनमेंट है। अगर आपकी नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लुक फॉरवर्ड। स्टे इन द पोज एज फार एज यू कंफर्टेबल। वापस आने के लिए नी स्ट्रेट, हैंड्स डाउन एंड मूव योर बॉडी एंड कम टू ताड़ासना। अभी हमने वीर भद्रासन 1 या वरियर पोज 1 की प्रैक्टिस कर ली है। आप जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इसका फर्स्ट बेनिफिट है, ये अपर बॉडी को स्ट्रेच करता है, आर्म्स चेस्ट एंड बेली एरिया, बैक एरिया, इस पूरे पोर्शन को ये स्ट्रेच करता है, और लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। लोअर बॉडी में हिप्स, एंकल, थाइस एंड लेग्स मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। जब ये चेस्ट को स्ट्रेच करता है तो कहीं ना कहीं ये आपके लंग्स के लिए काफी बेनिफिशियल है, और अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए हेल्प करता है। आपके फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम को ये रिमूव करता है, या जिसको शोल्डर्स में तनाव रहता है उसको ये रिमूव करता है। ये पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, और इसके साथ ही ये वेट को कम करने में, इनर थाइस से वेट लूज करने में हेल्प करता है। ये आपके फिजिकल बैलेंस को इम्प्रूव करता है, स्टेमिना को इंक्रीज करता है, और पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वीर भद्रासना 1 इज ए वेरी गुड ऑप्शन। अभी हमने जाने वरियर 1 के बेनिफिट्स, अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इस आसन को अवॉइड करें। अगर किसी को नेक में प्रॉब्लम है तो जब हमने हैंड्स ऊपर ज्वाइन किए वो ज्वाइन ना करके स्ट्रेट रख सकते हैं। और अगर आपको
नेक या शोल्डर में कोई इश्यू है, आप ऐसे ऊपर ना देख के सामने की तरफ देखें। तो ये हो गए कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीरभद्रासन 1 था, नेक्स्ट की वीडियोस में हम वीरभद्रासन 2 और 3 की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ।